वक्त है हमारी एक्सक्लूसिव खबर का, सीमेंट शेयरों को लेकर, सीमेंट सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं बताने के लिए पूरी खबर। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा, सीमेंट स्पेस, इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और अहम खबर है उन कंपनीज के लिए जो ग्रीन सीमेंट की तरफ रुझान कर रही है, पुश कर रही है। और सरकार का यहाँ पूरा पूरा प्लान है कि उन कंपनीज को बड़े शॉप्स या बड़े इंसेंटिव दिए जाएं जो ग्रीन सीमेंट को बढ़ावा देंगी। तो मैं बता दूं कि इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है, पॉलिसी के रूप में आप देखेंगे ग्रीन सीमेंट की पुश की बात हो रही है। डिस्कशंस इस वक्त चल रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो मुझे सूत्रों ने बताया काफी एडवांस स्टेजेस पर है। इस पर सबकी सहमति लेकर अब सरकार इसके फाइनल कॉन्टूअर्स पर काम कर रही है। कुछ महीनों में हो सकता है इस पर अनाउंसमेंट्स हो जाए। आप जानते हैं सरकार का फोकस इंफ्रा पर है, यहाँ पर ग्रीन पुश करने का एक ही मकसद यहाँ सबसे ज्यादा है, वो है सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, और ये ग्रीन सीमेंट आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और स्ट्रॉन्ग। तो ये सरकार की एक नीति बन के सामने आएगी जिसमें कई कंपनीज जो ग्रीन सीमेंट को पुश करिए, फॉर एग्जाम्पल ACC, अंबुजा, अनुवो को, इनमें इन्होंने ऑलरेडी ग्रीन सीमेंट पर काम शुरू किया है, अनाउंसमेंट्स आप देख रहे हैं लगातार आ रही हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। फायदा क्या होगा ये मैं बता दूं, जो इस वक्त बातें चल रही है या कॉन्टूअर्स तैयार हो रहे हैं उनमें ये सोचा जा रहा है कि गवर्नमेंट 25% कोटा ग्रीन सीमेंट के लिए रखे अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। और आप जान रहे हैं कि सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल NHAI के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बात की है बनाने के लिए इंफ्रा पुश में, तो ग्रीन सीमेंट कोटा यहाँ पर वो तय करेंगे कि 25% इसमें उसका ही जाए। तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की, इसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर भी किस तरह से ग्रीन सीमेंट को पुश किया जाए ये भी बात कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी उन कंपनीज को टू द एक्सटेंट ऑफ 80-100 रुपीज पर टन। तो अगर ये कंपनीज ग्रीन सीमेंट बनाती हैं और ये यूटिलाइज करती हैं तो उनको बहुत बड़ा इंसेंटिव यहाँ सरकार की तरफ से आता हुआ, तो बहुत अच्छी खबर है उन कंपनीज के लिए जो ग्रीन सीमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया खबर है उन कंपनी के लिए जो ग्रीन सीमेंट में कर रही है। और हाँ जी, सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव्स आ रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन में भी इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो बड़ी खबर है उन कंपनीज के लिए। जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है दीप, एक तो इंसेंटिव्स और दूसरा ये कंपल्सरी यूजेस। तो इंसेंटिव जो मिलेंगे उससे प्रति टन इनके 80 रुपए की रियलाइजेशन मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो उस हिसाब से एक बड़ा फायदा प्रॉफिट का होगा। दूसरा है कि अगर 25% ये कंपल्सरी कर दिया जाए जो कि तैयारी है सरकार की, तो फिर इसका इस्तेमाल भी बढ़ेगा। अब इसमें फ़ायदा मिलेगा उन कंपनियों को जो ऑलरेडी तैयार है, और जब तक दूसरी कंपनियां तैयार होगी उसका फ़ायदा उठाने के लिए सबसे आगे अंबुजा है, कैपेसिटी है, साइज है, और इकोमैक्स करके इन्होंने एक ऑलरेडी ग्रीन सीमेंट अपनी इको फ्रेंडली सीमेंट लॉन्च कर दी है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंबुजा को है। और न्यूवोको विस्ता भी ऐसी सीमेंट बना रही है, तो आई थिंक इन दो कंपनियों के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है। और ये तो होना ही है आगे पीछे, क्योंकि देखिए अब ग्रेजुअली ये सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पर फोकस सबका बढ़ रहा है, पूरे दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ हो सकती है अंबुजा के लिए और न्यूवोको विस्ता के लिए। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, इस पर फोकस करिए। एक बार जरा